तो आप भी कुछ इस टाइप से बर्थडे स्टोरी या इमेज को बनाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। मैंने आपको इस वीडियो में बहुत ही सिंपल तरीके से बताया है कि आप इस टाइप की इमेज को कैसे क्रिएट कर सकते हो और आप इस टाइप से केक पर नेम लिख सकते हो जो देखने में बहुत ही बढ़िया लगता है। तो गाइस हम टाइम वेस्ट ना करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे ही AI वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आपको इस टाइप की इमेज को क्रिएट करने के लिए गूगल पर आना है और यहाँ पर आपको बिंग इमेज सर्च करना है। इसके बाद आपको फर्स्ट वेबसाइट पर क्लिक करना है। तो गाइज आपके पास कुछ इस तरह से वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो इस वेबसाइट में आपको साइन अप कर लेना है। अगर आपने साइन अप नहीं किया तो इस वेबसाइट में साइन अप कर लें। अगर आपको साइन अप करने में किसी भी तरह की प्रॉब्लम आ रही है तो आपको इस वीडियो के अबाउट में एक वीडियो मिल जाएगा। तो मैंने उस वीडियो में बताया कि आप इस वेबसाइट में साइन अप कैसे कर सकते हैं, तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। इसके बाद आपको बॉक्स के अंदर लिखना है आप किस टाइप की इमेज को क्रिएट करना चाहते हैं। तो सिंपली आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो मैंने पहले से ही लिख के रखा हुआ है तो यहाँ पर मैं पेस्ट कर रहा हूँ। ये आपको इस वीडियो के अबाउट में मिल जाएगा तो वहाँ से आप कॉपी कर लें और यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है। इसके बाद आपको स्क्रिप्ट पर आना है और यहाँ पर आप देख सकते हो नेम का ऑप्शन दिख रहा होगा। तो यहाँ पर आप जिस नेम से इमेज को क्रिएट करना चाहते हैं उसका नेम लिख सकते हैं। तो हम नेम लिख लेते हैं। इसके बाद हम आगे चलते हैं। यहाँ पर आपको एज को ऐड कर लेना है। इसके बाद आपको क्रिएट पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको कुछ सेकेंड का वेट कर लेना है। तो गाइज हमारे पास कुछ इस टाइप से इमेज क्रिएट होकर आ चुकी है जो देखने में बहुत ही कमाल की लग रही है। तो हम इस इमेज को डाउनलोड कर लेते हैं। तो आपको जो भी इमेज अच्छी लग रही है उस इमेज पर क्लिक करें और यहां से इस इमेज को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद हम गर्ल्स के लिए इमेज को क्रिएट करके देख लेते हैं। तो आपको स्क्रिप्ट पर आना है और यहाँ पर आपको किंग को हटा देना है और इसकी जगह पर आपको क्यूट गर्ल कर लेना है। इसके बाद आपको लास्ट में आना है। और यहां पर आपको द कैरेक्टर सीट वाली लाइन को पूरा हटा देना है। और यहां पर आपको नेम भी चेंज कर लेना है। तो हम नेम चेंज कर लेते हैं। इसके बाद आपको क्रिएट पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको कुछ सेकेंड का वेट कर लेना है। तो गाइज यहाँ पर हमारे पास गर्ल्स के लिए भी इमेज क्रिएट होकर आ चुकी है जो देखने में बहुत ही अच्छी लग रही है। अगर आपको इस इमेज को डाउनलोड करना है तो आपको जो भी इमेज अच्छी लग रही है उस पर क्लिक करें और यहाँ से इस इमेज को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद हम बॉयस के लिए इमेज को क्रिएट करके देख लेते हैं। तो सिंपली आपको स्क्रिप्ट पर आना है और यहाँ पर आपको क्यूट गर्ल को हटा देना है और इसकी जगह पर आपको बॉय कर लेना है। इसके बाद आपको लास्ट में आना है और यहाँ पर आपको नेम चेंज कर लेना है। नेम चेंज करने के बाद आपको एज चेंज कर लेना है। तो यहाँ पर आपको जितनी एज लिखना है आप उतनी एज यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद आपको क्रिएट पर क्लिक करना है। तो गाइज हमारे पास बॉयस के लिए भी इमेज जनरेट होकर आ चुकी है जो देखने में बहुत ही कमाल की लग रही है। अगर आपको इस इमेज को डाउनलोड करना है तो आपको जो भी इमेज अच्छी लग रही है उस पर क्लिक करें और यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइज आप जितनी चाहो उतनी इमेज इस वेबसाइट से क्रिएट कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। मिलते किसी अन्य वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।